怒ってる。हमें कैसा लग रहा है? तो सही लग रहा है? ये देखो यहाँ से ऊपर से फटा देखो बादल, पूरा पहाड़ का जो मलबा होता है ना वो आ रहा है नीचे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मम्मी को छोड़ना है मैं भागपत में नीचे, और उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। बैठो मम्मी। देखो मैंने अभी जल्दीबाजी में ना गाड़ी भी ठीक से साफ़ नहीं की, देख रहे हो इधर पूरे किचड़ कुचड़। आज सुबह मैं जिधर गया था ना तो उस टाइम में सुबह बैठ गए मम्मी तो ना उस टाइम पर हम सुबह वो नहीं ले गए, क्या बोलते हैं मतलब कैमरा वगैरह कुछ नहीं ले गया, बस सिद्धबली साइड जिधर बादल फटा था ना तो उधर साइड सुबह गाड़ी ले गया था, तो उधर इतना ज़्यादा कीचड़ था ना भाई, मतलब तो मैंने वही बहुत गंदा हो रखा था गाड़ी। क्या माँ? हाँ हाँ पुत्र। अंकल जी जरा 10-10 रुपये दे दो, जरा 2 10-10 के नोट, मैं जरा आपको फोन पे करता हूँ। तुम आते ठीक है? ये देखो मेरी गाड़ी ठीक से साफ नहीं की, देखो पूरा कीचड़ हो रखा है। क्या चीज? बैठ। बैठ गए। तो मैं ना पहले मम्मी को नीचे भागपत में छोड़ के आता हूँ जहाँ मम्मी जा रही है, ठीक है? मम्मी ने पता है माँ तूने मुझे कितने बजे बोला कि मैं कितने बजे जाऊँगा? 4 बजे। 4 बजे ठीक है, तो मैं उस टाइम पे सो रखा था भाई। मम्मी ने बहन का 3 बजे बोला कि सोनू तैयार हो ले चल ले, तो भाई मम्मी ने बोला 4 बजे चले जाए, मैंने उसी हिसाब से तब 3:10 में उठा। कहाँ पे? लो भैया तोड़ो। हो गए भागपत? हो कहाँ पे रहा मम्मी? भागपत कहाँ पे हो रहा? बैठो। तो पता मैं जैसी 3:10 पे गाड़ी साफ करने बैठा तो भाई पंद्रह बीस मिनट भी नहीं है गाड़ी साफ करते करते, पता मैंने से ऊपर ही ऊपर साफ किया। तब तक मम्मी सोनू जल्दी कर ले गाड़ी साफ, जल्दी कर ले, बल मेरे लेट हो रहा शुरू हो गया, बल आवाज़ आ रही ऊपर, अबे यार। फिर मैंने फटाफट भाई ऊपर ही ऊपर बॉडी साफ की, टायर भी ठीक से साफ नहीं किया ना चीची साफ किया, बस ऐसे मैंने कहा चल कोई नहीं कल साफ कर लेंगे आराम से। पता है मेरे को ट्रैक्टर आ रहा है मम्मी, उड़ा थोड़ी देगा ट्रैक्टर वाला। तो पहले मैं मम्मी को भागपत पे छोड़ के आता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उधर लेके चलूंगा सिद्धबली साइड, है ना? मम्मी कैसा लग रहा है? तो सही लग रहा है? तो देखो आपको भागपत की आवाज आ रही होगी, और मैं वन हैंड गाड़ी चला रहा हूँ। देखो ऐसे भागपत के यहाँ पे माइक लगा हुआ है, भागपत ये हो रहा है, यही पर ही हो रहा है ना। पुत्र सुन तो ले, आपने कितने बजे आना? आप करना कॉल मेरे को थोड़ी पता चलेगा। पैसे दे देना मैं आपको। चलो ठीक है मेरे को भागपत देखना पसंद नहीं आ रहा है इतना ना। बाय, आराम से आ रही है, मेरे को कॉल कर दी पक्का याद करके। जाओ ना जाओ, आप जाओ मैं आ रहा हूँ। तो ये हो रहा है यहाँ पे भागपत लक्ष्मी वेडिंग पॉइंट में। आई होप तू यहाँ पे जिससे मंत्री से सच में पता होगा बाबरे। बस अब नहीं भगाएंगे, हो गया बहुत, हो गया खत्म, टाटा भाई। तो ना पता यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पता देख रहे हो ये पूरा पानी भर रहा है इधर। अब तो खैर वैसे बारिश रुकी है तो अब तो काफी बेटर, पहले से बहुत सही है। ये तिलोक होटल है पता, यहाँ इसके इनके रिसेप्शन तक पूरा पानी घुस गया था अंदर, ये देखो पूरा यहीं पर ही फंसी थी पुलिस की गाड़ी। देखो ये इतना था ना, ये आधा पुल चले गया इतना,
अभी भी पानी आ ही रहा है भाई यहाँ पर, तो थोड़ा सीन शॉट सही हो गया। अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ सिद्धबली में, पर देख तो यार मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी साफ कर रही अपनी, कसम से पता वहाँ पे गाड़ी बहुत गंदी हो जा रही। पता हार्ड कीचड़ है ना वहाँ का, एकदम मिट्टी वाला, जो अपने गांव साइड की मिट्टी होती है ना पहाड़ की, आपको पता है मिट्टी कैसी होती है, येलो येलो पीली पीली टाइप की होती है। तो अभी जैसे मैंने टायर से अपने रिम से निकाला था ना मैं, जितनी मिट्टी भाई इतनी हार्ड जम रही थी ना, मैंने कपड़े ही फेंक दिया भाई, क्योंकि उसको धोके कोई फायदा नहीं था ना, उसने काला होना था वैसे गंदा होना था, सो फेंक दिया। तो यहाँ पर से ट्रक वगैरह खड़े हो रखे हैं, क्योंकि आगे जहाँ पे बादल फटा था ना अभी एक दो दिन पहले हमारे कोटद्वार में, जो बहुत ही बुरी हालत हो रही थी अभी तक है ना, तो देखो पूरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब खड़ी हो रही थी, क्योंकि जा नहीं सकती ना आगे, सिर्फ बाइक और ऑटो जा पा रहे बस। और देखो मैं आपको सबसे खतरनाक चीज़ दिखाता हूँ, ये इतने में रास्ता था, देखो ये जो इतना दिख रहा है ना, तो यहाँ पर दो बस खड़ी थी, मतलब ना इधर से ऐसे में भी बस वगैरह धुलती होगी ना, तो ये नदी आई थी पूरी। मैं आपको एक बस दिखाता हूँ, देखो वो नीचे गिर रहा है, अभी इधर ही हो बस, बंदर बैठ रहा था वहाँ पे। देखो ये दो अंकल जी लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे बस, हो हो, तो देखो ये गिर रही हो बस, पता नहीं यार आपको ठीक से दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें जूमिंग का नहीं है भाई गोप्रो में ना, बिल्कुल भी नहीं। तो ये है भाई बस, कोई बात नहीं, मैं अपने फ़ोन से इसका एक शॉट बना के बीच में डाल दूंगा ना, तो आप देख लेना। तो ये वो बस गिर रही है भाई, एकदम पूरी ख़त्म हो रही है, पता बस इसके, पता है इसके अंदर इतना मलबा है शायद से ना, कल को निकाल रहे थे ये बस ना, पर निकली नहीं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मलबा है। और देखो सबसे भयंकर चीज़ क्या है, जो आगे साइड का होता है ना, वो लेफ्ट साइड का तो आपका पूरा वो मलबे में फंसा हुआ है, जो राइट साइड का ना इधर जो ड्राइवर साइड होता है, जिधर हैंडल होता है ना, स्टेयरिंग होता है, तो देख रहे हो इधर साइड पूरा टायर दिख रहा है, वो भी देखो कपड़ा का मलबे में। तो ये बस की यहाँ से है, वो यहाँ से थोड़ा सा आगे 10-15 मीटर आगे फटा है, पता बादल, पता मेरा गाड़ी डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा पता कीचड़ में, क्योंकि मैंने सुबह बहुत मेहनत से साफ की है, बट सोच रहा हूँ डाल दूँ। देखो यहाँ पर से एक वाटरफॉल आ रहा है, और रहे। मैं मेरे को तो कुछ भी बोलो गाइस, मेरे को एडवेंचर करने में बहुत मजा आता है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो ये फट रहा है बादल, कल को हमको यहाँ से आगे नहीं जान दे रहे थे यहाँ से इस पोल से भाई साहब, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली। डाल दूँ क्या गाड़ी डाल दूँ क्या, पूरी गंदी हो जाएगी भाई, पूरी गंदी। देख रहे हो यहाँ पे ये जो मिट्टी है ना पूरी, देखो पिसलने वाली मिट्टी, देखो कैसी वो हो रही है, स्किट हो रहा है, क्या करूँ डाल दूँ क्या, मेरा पता मन नहीं है, पता बड़ी मुश्किल से गाड़ी साफ की है पता मैंने, बट क्या करे, चलो डाल ही देते यार, छोड़ो आप मजे लो बस, है ना भाई भाई भाई। देखो यहाँ से फटा था, देखो बादल ऊपर, गाड़ी पॉज करूँ, ओए देखो अबे ये पेड़ आ गया बीच में, ये देखो यहाँ से ऊपर से फटा, देखो बादल पूरा पहाड़ का जो मलबा होता है ना वो आ रहा है नीचे भाई साहब, मैं क्या करूँ इधर से टर्न कर दूँ, देखो आगे पूरा सेम ऐसी है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है पूरा, ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से गाड़ी बैक ले लेता हूँ, नहीं तो यार पूरी गाड़ी गंदी हो जाएगी मेरी भाई, बैक भी कैसे करके करनी है गाड़ी, टायर पंचर हो रहा क्या भैया, अबे कहाँ पर हुआ, ये तो 5 किलोमीटर हो गया, तो वहाँ से पैदल आ रहे हो ऐसे, ओहो धक्का मारने क्या कुछ हेल्प करनी है तो बताओ, नहीं नहीं बस सामने है, हाँ यहाँ पर तो है ही ना, खैर मेरे तो वही था यार। अच्छा तुम 5 मील से ऐसे धक्का मार के ला रहे हो गाड़ी, अरे यार बैठ के भी आया कहीं पर, मैंने कहा टीवी तो कट गई और क्या हो, अच्छा मशीन चल रही है, अच्छा ठीक, ओहो हो टायर ही पंचर हो गया, चलो ठीक है भैया, ओके ओके, पैसा होता है भाई बीच बीच में। तो देखो जो भी मलबा था जब यहाँ पे कल में जेसीबी लगी हुई थी ना, तो मैं आया था बट मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, तो पूरा मलबा इन्होंने नीचे फेंका है, देख रहे हो नीचे जो वो है ना मकान, आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा पता नहीं इस गोप्रो से, क्योंकि जूम करता है नहीं, देखो पूरा मलबा भर रखा है यहाँ पे, कभी ना अपना एक रोड ना हुआ करता था, यहाँ पे एक रोड जाती थी नीचे को, अब तो रोड भी नहीं दिख रही है, पूरा सपाट हो गया भाई मामला चौपट, ओहो भाई तुम्हारा भाई भी अब तब तक घूमेगा जब तक मम्मी ने सात बजे आना है वहाँ से भागपत से, तो मम्मी मुझे कॉल करेगी, देन उसके बाद हम मम्मी को ले जाएंगे, और फिलहाल देखते हैं यार गेड़ी मारते इधर ही मार्केट साइड, नहीं मम्मी भागपत से निकल भी गई यार, बताया भी नहीं मम्मी, कल आना
मतलब ऐसे थोड़ी फोन थोड़ी उठा रहे हो। हाँ चल कोई नहीं, आले आले कहाँ पर मिलोगे? हाँ घर पे ही आ रहे हो? अच्छा आंटी का घर भी वो वहीं होगा ना, चल ठीक है। तो अच्छा अभी कहाँ है? हाँ चाबी दे दे मेरे को। जी आ रही है किसी दादी जी के साथ। तो फिलहाल मैंने घर की चाबी ले ली है मम्मी जी से, तो मैं अपना ताला खोल के बैठ, अरे गिर गए थे अभी, तो मैं अपना ताला खोल के बैठ जाऊँगा। नहीं अच्छा वही चीज बता देते, मतलब अच्छा कल भी है क्या? 7 दिन तक तो 7 दिन तक लगातार वहीं पर ही। कल भी जाओगे? 7 दिन तक आर वो तो क्या बंद है, भीड़ बहुत लगी था। कल दो बारी चार सही है, सही है। अब आप क्या भी घूम जाके जल्दी से जल्दी जाएं तो ना वो एक बने को तीन बजे आ जाएंगे, तो वो तब तक बोली जल्दी पूरा सुनोगे मतलब। हाँ जल्दी हो जा, गए 7 बजे जल्दी सो जा, और 4 बजे है तो सो 8 बजे सो के देर गया 8 बजे होंगे। चलो कोई नहीं, तो भाई अब क्या बोलते हैं, बस यही था आज में जो आपने देखा कि मतलब पूरे कोलार में जो हो रखा है आजकल वही हो रखा है, नदी वगैरह आई है मतलब बारिश के कारण से ना, तो बहुत ज़्यादा उबल, तो बस वही था आज में आपने देखा होगा कि इधर कहीं उदल उदल दिखाया मैंने आपको थोड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा इवनिंग में फ्री हूँ, मैंने कहा मम्मी को उधर छोड़ के, तो फिर अभी जैसे मैं मम्मी को पिकअप करने गया था नीचे, तो आपने देखा होगा मम्मी के साथ एक थी कोई दादी टाइप की, तो उनके साथ आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी उनके साथ आ जाएगी है ना। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जल्दी मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।